अस्सलाम वालेकुम, तो जी वेलकम है मेरे नए ब्लॉग के साथ। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो अब लाजमी तौर पर स्किन केयर तो बनती ही है। हाँ, हमारी तो अच्छी तरह से काजल मस्कारा साफ़ करने के लिए मैंने वाइप्स यूज़ किए हैं, एलोवेरा टी सी डीज हैं कुछ इस तरह करके हैं। ये वाले जो है वाइप्स मैंने यूज़ किए, ये जस्ट मैं मस्कारा उतारने के लिए यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं इनसे कुछ नहीं करती हूँ, ये साफ़ सुथरा कर लूँगी बस, इतना ही बेहतर। जब मेरी आँखें जो है ना वो इचिंग होने लग जाती है मुझे आँखों में। सो जी, ये है मेरा क्लिनजिंग में बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का, इतनी प्यारी सी इसकी खुशबू है। अरबी पढ़ने की कोशिश हो रही थी। खैर, क्लिनजिंग मिल गया इसको, मैं अच्छी तरह से अपनी स्किन की, पहले मैंने क्लिनजिंग की, अन्य वह डाल जा रही हूँ मैं क्लिनजिंग की, पहले मैंने अच्छी तरह से अपनी स्किन की, ताकि जो मेरे स्किन में अगर कहीं पर कोई मेकअप वगैरह हो ना तो वो खत्म हो जाए। और ये पता नहीं मैं क्या, पता नहीं कौन सी अम्मा बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। खैर, इसको अच्छी तरह से जो है अपने फेस पर मैंने अप्लाई किया, 3 से 4 मिनट का इसको मैंने मसाज दिया और अपने पूरे मुंह से जो है मैंने मेकअप हटाया। मेकअप नहीं, खैर जो स्किन की जो केयर होनी चाहिए मैं वो कर रही हूँ, ताकि मेरी स्किन फ्रेश रहे। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। मैं किसी चीज़ की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही यहाँ पे, ये जैसे मैंने लोकल बाज़ार से, यहाँ कह सकते हो मैंने यहाँ स्टोर से मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं, मैं किसी चीज़ की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही यहाँ पे। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हल्का सा पानी के साथ इसको मैंने फेस से रिमूव कर दिया और फिर हल्के हल्के आपको इसे मसाज करना है, ताकि मेरी स्किन सही रहे, प्यारी रहे। जो नोज़ वाला और चीक्स वाला एरिया है ये ज़्यादा जो है ना बेचारे मेकअप से रुलते हैं, इसमें टिंट भी लगता है, यहाँ पे सब कुछ होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। बाकी लाज पे आपको स्पंज यूज़ करो, या आप लोग टिशू भी यूज, नहीं टिशू नहीं, आप लोग कॉटन भी यूज़ कर सकते हो ताकि स्किन ख़राब ना हो, बट मैंने स्पंज एक ही रखा हुआ है अपनी स्किन का सिर्फ, मतलब अपना, कोई और इसको यूज़ नहीं करता, स्किन के मामले में कोई मजाक नहीं। एंड दिस इज़ द सेकेंड वन थिंग, ये 3 in 1 सब स्क्रब मास्क और फेस वॉश था ये, तो इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें थी, मतलब तो तीनों एक साथ था ये, मैं पता नहीं कौन सी आफत आई थी जितना ज़्यादा डाली जा रही हूँ। खैर, इसको जो है मैंने अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई किया, इसकी खुशबू जस्ट लिट यार, ख़त्म है इसकी खुशबू। और इसको लगाने के बाद जो है फेस पे इतनी मतलब वो होती है, ठंडक होती है, पता चलता है यहाँ तो इसमें मतलब कोई कूलिंग कुछ तो होगा, इसको जो जिसमें ठंडा ठंडा मेरा फेस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। किसी बच्चे को अगर नींद आना आ रही हो तो माए रात को मेरी वीडियो चला दें उनके साथ। इसको अच्छी तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, ताकि ना ये मेरी स्किन साफ हो जाए। इसको थोड़ा सा वेट करना है ताकि सूख जाए। इसके अंदर स्क्रब के वजह छोटे छोटे दाने होते हैं जो ये साबित करते हैं कि इसके अंदर स्क्रब गला है। सो नाउ अपने हाथों को गीला करना है और फिर अपने पूरे फेस पर इसको अच्छी तरह से रब करना है, ताकि हमारी स्किन इसके साथ से नीट हो जाए। तो वी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा थकती हुई वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि आज के यूनिवर्सिटी के मिड्स हो रहे हैं और टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं होता कि ना सुकून से मैं वीडियो शूट कर सकूँ, बट खैर फिर भी टाइम निकाला मैंने, बट थकती हुई वॉइस के लिए रियली सॉरी। बट बाकी आप वीडियो एंजॉय करें, मेरी इतनी हसीन शक्ल एंजॉय करें आप। जी तो अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट मसाज करने के बाद बस अब बहुत हो गया, अपनी शक्ल देख के मुझे डर लग रहा, खौफ आ रहा है, तो बस फटाफट से आपको इसको साफ़ करना है और ताकि आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। बिफोर एंड आफ्टर में कितना फ़र्क है मेरी शक्ल में, मेरी स्किन बहुत प्यारी हो गई है, मुझे भी स्किन से मोहब्बत सच्ची वाली हो गई है।
यार टू बी ऑनेस्ट मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, आप लोग ये चीज़ें कहीं से भी बाय कर सकते हो, मिल जाएंगी आपको बहुत ईजीली, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरी स्किन का तो सामने ही आपके रिजल्ट अच्छा अच्छा आ रहा है इसका। और जाके आपको बस 5 मिनट में मुंह धोना है उससे पानी से, फ्रेश वाटर से, और देन उसके बाद आपको टिश्यू से जो है अच्छी तरह से अपना फेस साफ कर लेना जो गीला गीला है। मेरी स्किन इतनी प्यारी हो रही थी ना, अपने नेल्स मार मार के चेक करी थी, लग जो जाता मुझे फिर। सो दिस इज़ माई फेवरेट थिंग, पील ऑफ मास्क, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े की खुशबू है इसकी। इसको सिर्फ मैं वहाँ अप्लाई करती हूँ जहाँ पे थोड़े बहुत पिंपल्स, या पिंपल्स नहीं खैर वो तो फोरहेड पे ऐसे लग गया, बट ये चिक्स वाला एरिया जहाँ पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का टेबल जो भी होता है तो वहाँ पे, और चिन वाली साइड लिप्स के नीचे ऊपर तो नहीं गया, यहाँ पे लाजमी तौर पर मैं अप्लाई करती हूँ बस। इसके अलावा पूरे फेस पे मैं अप्लाई नहीं करती थी, बस टेन इतना ही बहुत था। सो नाउ बारी आती है मेरे लिप्स की, लिप्स की केयर भी ज़रूरी है, तो ये लिप बाम मैंने बनाया हुआ है रोज़ के साथ, रोज़ पेटल्स होती हैं उनके साथ बनाया हुआ है ये रोज़, मैं रात को लगा के सो जाती हूँ ताकि मेरे लिप्स ठीक रहें, प्यारे रहें, सर्दियों में नहीं तो अक्सर मसला हो जाता होता है। और अब मेरे पास बारी आती है हाथों की, हाथों पर मैं ओरिफ्लेम वालों की यूज़ करती हूँ हैंड क्रीम, और इसको मैं रोज़ रात को लगा के सो जाती हूँ ताकि मेरे हाथ भी जो हैं वो अच्छे रहें और प्यारे रहें, बर्तन धोने के बाद भी साफ़ सुथरे रहें। लेकिन नहीं, हाथ साफ़ होने में मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरे बर्तनों का ही है। एंड इट्स डन, डू मस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।